बच्चों, चलिए पढ़ाई का समय शुरू हो गया। हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का ग्रह विज्ञान, और ग्रह विज्ञान में पढ़ेंगे इकाई 10 का आ किशोरा अवस्था। बच्चों, अभी आप सब इसी किशोरा अवस्था से ही गुजर रहे हैं। ये जो अवस्था है, ये बड़ी ही खतरनाक अवस्था मानते हैं इस किशोरावस्था को, और इसीलिए इसे तूफान की अवस्था भी कहा गया है। क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि ये 12 से 17 साल तक की होती है। इस उम्र में बच्चे अपने आप को ना बच्चा समझता है और वो बड़ों जैसा व्यवहार करते हैं कि अरे हम तो बड़े हो गए हैं, हम बच्चे थोड़ी हैं। तो ये बड़ी तूफान वाली अवस्था हो जाती है, बड़ी जटिल है ये किशोरावस्था। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं किशोरा अवस्था। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है। ना बच्चा छोटा होता है और ना ही बड़ा होता है, ये दोनों के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। और किशोरावस्था का प्रारंभ किस उम्र से माना जाए, इस संदर्भ में विद्वानों में कुछ मतभेद है। क्योंकि किशोरावस्था की शुरुआत के लक्षण प्रकट होना और पूर्ण रूप से जो लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने का समय, जलवायु, आनुवंशिकता, जाति और हार्मोन से प्रभावित होने के कारण प्रत्येक बालक और बालिका में भिन्न-भिन्न होता है। जलवायु का किशोरावस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। गर्म प्रदेश होते हैं जहाँ पे उनकी उनमें किशोरावस्था अलग होती है, और हार्मोन्स का, खाने पीने, आनुवांशिकता, जलवायु का प्रत्येक बालक बालिका में जो होता है किशोरावस्था अलग-अलग होती है। फिर भी सामान्यतः किशोरावस्था की उम्र कितनी मानी गई है? 12 से 21 वर्ष तक मानी गई है। और बालिका में जो लड़कियां होती हैं, लड़कों की अपेक्षा 1 वर्ष पहले ही किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा 1 साल पहले ही किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। अब किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व किशोरावस्था, जो होती है 12 से 17 वर्ष। 12 से 17 वर्ष ये होती है पूर्व किशोरावस्था। फिर दूसरी है उत्तर किशोरावस्था, जो होती है 17 से 21 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था। मानी गई है किशोरावस्था को 2 भागों में बांट दिया है, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व होती है 12 से 17 वर्ष और उत्तर होती है 17 से 21 वर्ष। अब देखते हैं किशोरावस्था की परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो बहुत से वैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को समझाने के लिए परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों का काल है, जिसके अंतर्गत शारीरिक, शरीर क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिवर्तन देखे जाते हैं। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है। अभी हमने बताया था ना आपको किशोरावस्था के परिचय में कि खतरनाक अवस्था से तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है स्टेनली हॉल ने। और साइडमैन ने भी लिखा है कि किशोरावस्था सामाजिक परिवर्तनों की अवस्था है, जब किशोर स्वयं को बच्चा नहीं समझता।
बालीन व्यवहार को छोड़कर वह वयस्क जैसा व्यवहार करना चाहता है। अतः बाल्यावस्था की समाप्ति के साथ साथ बालक जैसे ही पूर्व किशोरावस्था में प्रवेश करता है, विभिन्न परिवर्तनों का तूफानी गति से जीवन में प्रवेश होता है और कुछ समय के लिए ये जो परिवर्तन होते हैं किशोर को बेचैन बना देते हैं। अतः प्रत्येक माता पिता और पारिवारिक सदस्य और शिक्षकों को किशोरावस्था की जानकारी की जो विशेषताएं हैं किशोरावस्था की उनकी जानकारी होना चाहिए, जो बालक के स्वस्थ विकास में अपना सहयोग और योगदान देती है। अब हम देखते हैं आगे किशोरावस्था की विशेषताएं। तो पहला है किशोरावस्था की विशेषता में शारीरिक परिवर्तन। कौन सी है पहला? शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था में आते ही लड़के एवं लड़कियां दोनों के शारीरिक आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। उनके शारीरिक गठन में परिवर्तन के कारण वे अपने रंग रूप, आकृति, मुहासों, बाल आदि के प्रति चिंतित रहने लगते हैं। और किशोर बालक बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तनों के कारण वो संकोची भी हो जाते हैं और थोड़ा सा शर्मीलापन आ जाता है उनमें जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं। यह उम्र कांच में स्वयं को निहारने की होती है। वह बच्चा अपने आप को बहुत सुंदर समझता, बार बार शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। और जो बालक होते हैं उनकी आवाज में भारीपन आने लगता है और इस कारण कभी कभी आत्मविश्वास की कमी और जीवन में तनाव की स्थिति का प्रारंभ देखा जाता है। तो शारीरिक परिवर्तन में होता है आकार में परिवर्तन और अनुपात में परिवर्तन और कुछ मुख्य लैंगिक परिवर्तन है और गौण परिवर्तन। अब है दूसरा परिवर्तन है व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन है व्यवहार में परिवर्तन। तो किशोरावस्था की उम्र में प्रवेश करते ही माता पिता उनसे अत्यधिक समझदार एवं वयस्क व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं और माता पिता समझदार और वयस्क व्यक्ति की तरह व्यवहार की आशा करते हैं। और यदि एक नव किशोर अपनी आयु से अधिक बड़ों की तरह व्यवहार करता है तो उसे उलाहना मिल जाती है और टोका जाता है तो बच्चा एक भ्रम की स्थिति में हो जाता है कि हम क्या करें। अगर हम छोटे जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो हमको माता पिता से घर में जो बड़े हैं सबसे डांट पड़ती कि अब तुम बड़े हो गए, और अगर वयस्कों जैसा व्यवहार करते हैं तो बीच में टोका जाता है कि अरे अभी तुम छोटे हो ऐसी बातें मत करो। तो क्या हो जाता, बच्चे में भ्रम की स्थिति आ जाती है। भ्रम की स्थिति आ जाती है, बच्चा बालक या किशोर सोचता है कि हम क्या करें, हम क्या करें जिससे हमको डांट ना पड़े। अब है सांवेगिक स्थिरता। सांवेगिक स्थिरता में है भय, संवेग, क्रोध, जिज्ञासा और स्नेह। क्या है? भय, स्नेह और क्रोध, ये सारे क्या होते हैं? संवेग कहलाते हैं। इसमें किशोरावस्था को तूफान और तनाव की स्थिति तो कहा भी गया है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथियों से ऐसे हार्मोन्स स्रवित होने लगते हैं जिससे बच्चों का भावात्मक तनाव बढ़ जाता है। अब भय उत्पन्न करने वाले उद्दीपन बदल जाते हैं, जैसे
शारीरिक परिवर्तनों के कारण बच्चे भयभीत होने लगते हैं और अपने मित्र परिवार और समाज के प्रति प्रतिष्ठा और लोकप्रियता के लिए उनमें यह भय सताने लगता है। बच्चे अत्यधिक क्रोधी भी हो जाते हैं और शिक्षक माता पिता की बातें उन्हें उपदेश लगते हैं। अरे आप उपदेश दे तो आप उपदेश मत दीजिए, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं। बच्चे ऐसा बोलने लगते हैं और उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना उन्हें पसंद नहीं है। इस उम्र में जिज्ञासा, उन्हें नई नई चीजें सीखने का बहुत अधिक जिज्ञासा होती है। हर चीजें उनको सीखना, नई नई बातें, तकनीक सीखने के लिए बच्चे जागृत रहते हैं और उच्च अध्ययन करना। फिर इसमें किशोर अवस्था में बालक घर के सदस्यों के प्रति कम स्नेही हो जाता है एवं विपरीत लिंग के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है। अपने मित्र के साथ रहकर, उसे उपहार देकर, उसकी मदद करके वह स्नेह भाव व्यक्त करता है। अब इसी के आगे देखते हैं विशेषताएं, समस्याओं को सुलझाने के उपाय। समस्याओं को किशोरावस्था में उनके सामने उचित अध्ययन से विषय का चुनाव, मित्र का चुनाव, भावी कैरियर के प्रति चिंता, धन उपार्जन की समस्या और परिवार व समाज के साथ समायोजन। कौन कौन सी हो गई है? विषय का चुनाव, परिवार व समाज के साथ समायोजन का समस्या आ जाती है। परिवार व समाज समायोजन की समस्या बच्चों के प्रति आ जाती है। फिर है प्रणों की नकल। बच्चे अपना एक आदर्श बना लेते हैं इस उम्र में कि हमको उसकी तरह रहना है। आजकल बच्चों को फिल्मों की तरह किसी एक हीरो हीरोइनों का आदर्श बना लेते हैं। इस अवस्था में पहुंचने पर किशोर बालक बालिकाएं प्रौढ़ों की तरह अपना आचरण, रहन सहन, व्यवहार करना पसंद करते हैं। उन्हें बच्चा कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। लड़के पिता की तरह कार मोटरसाइकिल चलाना, देर रात घर के बाहर रहना पसंद करते हैं और लड़कियां आभूषण और श्रृंगार पसंद करने लगती हैं। फिर है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। इसमें क्या होता है? किशोर बालक बालिका में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी बढ़ जाता है। फिर बौद्धिक विकास में परिपक्वता। किशोरावस्था से पहले किशोरावस्था की ओर अग्रसर होते हुए किशोरों की बुद्धि परिपक्व होने लगती है। वह अपने मित्रों के साथ अपनी तुलना करते हुए अपने व्यक्तित्व में सुधार करने का प्रयास करने लगता है और वह किसी भी कठिन समस्या का हल अमूर्त चिंतन द्वारा कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि किशोर अवस्था में बुद्धि एवं विचार परिपक्व और व्यवस्थित हो जाती है। अब है किशोर अवस्था की समस्याएं और उनके निदान कौन कौन से हैं। किशोर अवस्था में तो बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन जो कुछ प्रमुख हैं उनके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किशोर अवस्था की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहला है लैंगिक परिवर्तनों के प्रति अज्ञानता। अभी हमने पढ़ा था कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं बच्चों के, अंतः स्त्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स स्त्रवण होने लगता है। तो इसी के आगे हम देखते हैं कि किशोर बालक बालिकाओं में जो मुख्य और गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे किशोरों के परिवर्तनों को लेकर कुछ उनको शर्म या झिझक होती है,
इन्हें वो रोग समझ बैठते हैं, जैसे बालक में स्वप्न दोष, बालिकाओं में मासिक धर्म का प्रभाव। ये बहुत बड़ी समस्या है। किशोर वर्ग के मन में इन परिवर्तनों को लेकर कई जिज्ञासाएं होती हैं, जिन्हें वे गलत लोगों की आदत करके हल करने का प्रयास करते हैं। और इसके निदान में हम कह सकते हैं कि बालक बालिकाओं को अपने अभिभावकों द्वारा सत्य सूचना और निदान समय पर उचित ढंग से प्रदान करना चाहिए। बच्चों के प्रश्नों एवं उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उन्हें शांत करने के लिए कभी कभी झूठी जानकारी नहीं देना चाहिए। किशोरावस्था में जीवन का उच्च विचार उनके समक्ष उनके अभिभावकों द्वारा रखना चाहिए, जिससे बालक बालिका सा खाली समय का उपयोग गलत संगति में पढ़कर करते हैं, उन्हें अच्छे कामों में लगाए रहना चाहिए। फिर है कुसमायोजन की समस्या। कुसमायोजन परिवार के सदस्य किशोरों में शारीरिक परिवर्तनों के कारण उसे वयस्क समझकर बड़ों जैसा व्यवहार करते हैं। कभी उसे बालक समझकर निर्देश देते हैं तो कभी उन्हें क्यों फिर बच्चा पूर्ण स्वतंत्रता चाहने लगता है, और कभी उन्हें आदेश देते हैं जो बच्चों को आदेशात्मक व्यवहार पसंद नहीं आता। तो किशोर वर्ग अब विपरीत लिंग का मित्र बनाना पसंद करता है और यह माता पिता को यह स्वीकार नहीं होता। माता पिता को उसके कपड़े, मित्रों, जेब खर्च पर कड़ी नजर रखना चाहिए कि उनका बच्चा बेटा या बेटी बिगड़ तो नहीं रहे। माता पिता को उनके मित्रों आदि के विषय में जानकारी लेनी चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अगर स्कूल गया, स्कूल से लेट हो गया तो क्यों लेट हो गए, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिर गलत रुचियों का निर्माण। किशोर बालक बालिका के समक्ष माता पिता गुरुजन द्वारा यदि ऊंचे लक्ष्य न रखे जाएं, तो किशोर अपनी ऊर्जा व समय का उपयोग गलत कार्यों या गलत रुचियों में करने लगते, क्योंकि इस समय बच्चों में, किशोर बालकों में ऊर्जा भरपूर रहती है, एनर्जी बहुत रहती है। यदि उन्हें पैसे, उचित व्यवसाय, मित्रता, अध्ययन में मन चाहे सफलता नहीं मिलती तो गलत आदतें निर्मित हो जाती, जैसे नशा, चोरी। कौन कौन सी गलत आदतें हो गई? नशा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, चीजें बच्चे लोग विषम लिंगियों में रुचि आदि गलत कार्यों में बच्चे रहने लगते हैं। अच्छे संस्कार एवं स्वस्थ रुचियों का निर्माण करना माता पिता का कर्तव्य है, और बच्चों को खाली समय का सदुपयोग करने से उनमें अच्छी रुचियां उत्पन्न की जा सकती है। फिर सामाजिक अस्थिरता। हमने अभी पढ़ा था विशेषताओं में क्रोध, स्नेह, जिज्ञासा, ये सब है, संवेग कहलाते हैं। किशोरावस्था में जितनी तीव्रता से शारीरिक परिवर्तन होते हैं उतनी ही सांवेगिक स्थिरता भी पाई जाती है। जैसे जैसे ये विकास क्रम बढ़ता जाता है और गति में धीमापन आता जाता, संवेगात्मक अस्थिरता आती रहती है। किशोर डरे हुए, दुखी, अप्रसन्न एवं कभी कभी मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अब इसके लिए क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम बच्चों को बच्चा न समझकर बड़ा समझते हैं, और बड़ों सा व्यवहार करें तो उन्हें डांट देते हैं कि आप तो छोटे हो। तो इस स्थिति में इसके निदान के लिए माता पिता को किशोर होते हुए बच्चों को के साथ अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए, और किशोर बच्चों के समक्ष एक उच्च आदर्श, जीवन आदर्श और व्यवसायिक लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, ताकि किशोर अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर सके।
फिर है इसके बाद दोषपूर्ण पारिवारिक संबंध, शारीरिक परिवर्तन में संवेगिक तीव्रता के कारण किशोर अवस्था में परिवार के सदस्य बात बात पर उसकी हंसी उड़ाते हैं। उसकी आवाज, त्वचा, शारीरिक बनावट, बौद्धिक क्षमता में दूसरों से तुलना करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? तुलना। अरे वो बच्चा ऐसा है, तुम ऐसे क्यों नहीं हो? जब वो ऐसा कर सकता है तो आप भी ऐसा कर सकते हो। उनको फैशन के प्रति रुझान का मजाक उड़ाते हैं, रोक टोक करते हैं। तो इन सब के निदान के लिए किशोर वर्ग का स्वस्थ शारीरिक मानसिक चारित्रिक विकास की प्रथम जिम्मेदारी अभिभावक और पारिवारिक सदस्यों की रहती है। क्यों? क्योंकि समय के इस समय अभिभावकों को बच्चों के प्रति संतुलित अभिवृत्ति होना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। पिता का पुत्र एवं पुत्री का माँ के स्वयं मित्र बन जाना चाहिए, ताकि किशोर गलत मित्रों का चुनाव ना करें एवं अपनी प्रत्येक जिज्ञासा का समय का समाधान वह अपने माता पिता से कर सके। माता पिता को किशोर के मित्रों के समक्ष या अन्य रिश्तेदारों के समक्ष उनकी कमजोरियों का उल्लेख करके उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो इसके द्वारा हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं या इस समस्या को दूर कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी समस्या किशोर अवस्था की जो है वह है बाल अपराध की समस्या। सबसे बड़ी समस्या किशोर अवस्था से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनका निराकरण यदि सूझबूझ और विवेक से माता पिता और गुरुजनों द्वारा नहीं की जाएंगी, उसके शारीरिक व्यवहारगत सांवेगिक परिवर्तनों को समझते हुए व्यवहार नहीं किया जाएगा तो किशोर अपराध जगत से जुड़ जाता है। किशोर अपराध से जुड़े अध्ययन से निष्कर्ष डोनेट के द्वारा, किसके द्वारा किया है? इसमें जो वैज्ञानिक है यह निष्कर्ष निकाला है कि किशोर जब स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, तब आपराधिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है और कुछ किशोर अपराधी भी बन जाते हैं। जिन्हें परिवार और मित्रवत संरक्षण मिलता है वह इस समस्या से बच जाते हैं। किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं उत्पन्न करने में मुख्य रूप से सर्वप्रथम परिवार ही जिम्मेदार होता है एवं उसके निदान की संपूर्ण जिम्मेदारी भी परिवार की ही रहती है। साथ ही विद्यालयीन गुरुजन भी इस समस्याओं के निदान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तभी एक किशोर आत्मविश्वास के साथ स्वयं को समाज व परिवार का मुख्य सदस्य समझेगा एवं चुनौतियों भरी जीवन की राहों में समस्याओं का सही हल खोजने में सफल होगा, क्योंकि एक किशोर ही राष्ट्र का आदर्श निर्माता बनेगा। बच्चों, ये यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगर आपको कुछ समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालेंगे और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, किताब है, उसमें भी ये सब दिया हुआ है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे और परीक्षा में आप बहुत अच्छे नंबरों